हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के निरंतर जल प्रवाह का उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके चलते ब्रह्म सरोवर में 50 क्यूसेक पानी आएगा और 50 क्यूसेक पानी का निकास होगा, जिसके उपयोग खेत में किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में आने वाले श्रद्धालुओं को अब सरोवर का जल स्वच्छ मिलेगा, जिसे वह अब आचमन में भी भर सकेंगे। देखिए, बहुत ही एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना के ब्रह्म सरोवर, इतना बड़ा सरोवर है, लाखों लोगों के हर वर्ष जो कार्यक्रम होते हैं उसमें उनकी श्रद्धा का यह स्थान, उस पर स्नान करने आते हैं, आचमन करते हैं, एक पवित्रता का एक भाव मन में लेकर के चलते हैं, तो उसके पानी को प्रवाहमान पानी किया जाए और लगातार पानी आता रहे और लगातार उसमें से पानी बाहर निकलता रहे। इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए हमने इसकी शुरुआत कराई, आज वो पूरा हुआ है। लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से अब नहर का पानी लगातार इसमें 50 क्यूसिक के प्रवाह से आएगा और इसमें से फिर 20 क्यूसिक पानी लगातार बाहर भी निकलता रहेगा, 30 क्यूसिक पानी यहाँ इसी में खपेगा, वाष्पीकरण से और सूखने से पानी खपेगा। देखिए, श्रद्धालु जब आते हैं वो अपनी श्रद्धा से आते हैं और उनके लिए व्यवस्था करना हमारा काम है, तो हमने अच्छी व्यवस्था उनके लिए की है। इस बार कुंभ का मेला जो होने जा रहा है उस पर भी लाखों लोग आएंगे, गीता जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर भी लाखों लोग आएंगे और वर्ष भर में कई कार्यक्रम होते हैं जब लोग यहाँ आते हैं, इसलिए स्वच्छ पानी देना यह हमारा दायित्व है, उस पानी को हमने दिया। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार, सिटी होम न्यूज।